कुमकुम भाग्य के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Z5 पर। अभी आप डाउनलोड करें। I'm sorry, प्रज्ञा, मैं राजी को नहीं रोक पाई। सच कहूँ तो मैं उसे नहीं संभाल पाई। I'm sorry, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं प्राची का ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं नहीं रख पाई। उसने भी तुम्हारी तरह अपने पति के पास जाने की जिद पकड़ रखी थी। शायद वो मेरी बात मान भी लेती अगर बात सिर्फ रणबीर की होती, लेकिन यह बात उसके बच्चे की थी। मैं तो तुम्हें बताने भूल गई, प्राची प्रेग्नेंट है, मां बनने वाली है वो, और उसे लगता है कि ये बात सुनकर रणबीर उसे, इसीलिए वो रणबीर से अपना रिश्ता जोड़ने गई। I'm sorry to say that, लेकिन मैंने उसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। क्या करती मैं? मैं थक गई हूँ उसे समझाते समझाते, लेकिन कि वो नहीं समझती। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ ना प्रज्ञा, कितनी बार अपनी आंखों के सामने अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखूं। पहले ही तो मैं सच में प्राची को बचाना चाहती थी, उसे संभालना चाहती थी, लेकिन वो, इसीलिए मैंने उसके सामने शर्त रखी कि तो वो रणबीर को चुने या फिर मुझे, और एक माँ के प्यार के सामने दूसरी माँ का प्यार जीत के वो चली गई। और मैंने उसे नहीं रोका, जाने दिया उसे। रियली सॉरी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाई। सॉरी कर गया, मैं प्राची का ख्याल नहीं रख पाई। जवाब कर दे, रोड खराब है और हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। प्लीज टैक्सी, कोई और है क्यों नहीं यहाँ पे? उतर जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं ले चलता हूँ आपको। थैंक यू अंकल जी। जल्दी चलिए। चलता हूँ पुत्र, मुझे जल्दी जाना है। हाँ पुत्र। बेटा जी, आप क्यों गिड़गिड़ा रहे थे उसके सामने इतना ज्यादा? वो नहीं तो कोई और ले जाता। टेंशन ना लो, टाइम से पहुंचा दूंगा मैं। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू। मैं बता नहीं सकती आपने, थैंक यू। मेरा इंतजार करना रणदीप, तुम्हें तुम्हारी लाइफ की दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी देने आ रही हूँ। और तुम भी थोड़ा वेट करो, तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले जा रही हूँ। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। देखना, तुम्हारी खबर सुनते ही वो रिया से शादी नहीं करेंगे। कुमकुम भाग्य के सभी एपिसोड्स देखें बिल्कुल मुफ्त सिर्फ Z5 पर। अभी आप डाउनलोड करें।